Good morning, viewers. 25 degree temperature, very cloudy Sunday, and the time is, what time is? 11:54. So good morning. तो भैया आज मैं डाउनटाउन टोरंटो की तरह जा रहा हूँ. कुछ फेस्टिवल्स वगैरह हैं, जब वहाँ जाएंगे तो पता लगेगा. अल्बन इंडिया डे है, कुछ स्टॉल्स वगैरह हैं. तो लेट्स सी आई बी एबल टू गेट देयर और नॉट. अभी तो मैं इब्तिदा है, अभी तो मैं निकल रहा हूँ. आई एम लोडेड विद ऑल माई कैमराज, ऑल द बैटरी चार्ज्ड, एवरीथिंग इज़ गुड टू गो. तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. मैंने कहा आपको पहले इंट्रो दे दूं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ और इरादे क्या हैं. इसमें कुछ ड्राइव अराउंड इन द डाउनटाउन टोरंटो भी होगा, और क्योंकि संडे का ही एक दिन होता है जिसमें मुझ जैसे जो नॉट अ सिटी ड्राइवर, वी आर नॉट अ सिटी ड्राइवर इन द सेंस के हम लोग मेन टोरंटो के ड्राइवर्स नहीं हैं. क्योंकि टोरंटो की ड्राइविंग, पर्टिकुलरली डाउनटाउन की ड्राइविंग जो है बड़ी ही टिपिकल किस्म की होती है, और उसमें हर कोई नहीं चला सकता. मुझे गाड़ी चलाते हुए ऑलमोस्ट 30-35 साल हो गए हैं, लेकिन स्टिल डाउनटाउन टोरंटो हो या शिकागो का डाउनटाउन हो या न्यूयॉर्क का डाउनटाउन हो, इट्स ऑलवेज स्केरी. एक तो स्ट्रीट्स की जो लेन होती हैं उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये वन वे है, ये डू नॉट एंटर है, दिस इज़ ओनली फॉर पेडेस्ट्रियन. लाइक किंग स्ट्रीट जो है, गालिबन रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वहाँ पर, वहाँ गाड़ी जा ही नहीं सकती. फिर हर जगह से फिर ट्राम आ जाती है, फिर इट्स जो आदि है टोरंटो के, या जो कैब ड्राइवर्स हैं जो मोस्टली चलाते हैं टोरंटो में, दे नो वेरी वेल. तो मुझ जैसे मिसागा के ड्राइवर जो, या सबर्बन स्टाइल के जो ड्राइवर्स हैं, दे ऑलवेज हैव एन इशू. So good day for us is always to go on Sunday. Saturday bhi kafi busy hota hai, but I don't know, summer hai, how busy it could be. So let's see viewers. So chalte hain, dekhte hain kya ho raha hai. Raste mein bhi jahan jahan kuch hua agar acha kisam ka, to I will turn it on. Otherwise, see you in downtown Toronto. Bye bye. Ji viewers, ये मैं इस वक्त QW पे हूँ. आज संडे का दिन है और मैं जा रहा हूँ डाउनटाउन टोरंटो की तरफ, नीथन फिलिप स्क्वायर, जहाँ पर सिटी हॉल है. टोरंटो का सिटी हॉल, सिटी हॉल का मतलब है जहाँ पर मेयर साहब और गवर्नमेंट ऑफ टोरंटो बैठती है, ऐसे कह लें आसानी के लिए. तो क्या नाम है, मैंने कैमरा इसलिए ऑन किया कि आई वाज एक्सपेक्टिंग के ट्रैफिक यहाँ से मुझे आज संडे वाला दिन है थ्रू मिलेगा, लेकिन डजंट लुक लाइक. लगता है कि हर कोई जो है टोरंटो डाउनटाउन की तरफ जा रहा है, या फिर ऑब्वियसली ये फिर आगे गार्डनर में कन्वर्ट होती है, गार्डनर से फिर ये डॉन वैली की तरफ चली जाती है, वहाँ से फिर पूरा स्कॉर्पोरो का पूरा प्रेशर होता है. तो चलें, मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि भाई आपकी वीडियो बनाने के लिए किस कष्ट से गुजरना पड़ता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी हो सकता है ट्रैफिक आगे खुल भी जाए तो मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं दूंगा. चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. जी व्यूअर्स, ट्रैफिक खुल गया तो आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि 1 बजे जो है वहाँ पर मुझे पहुँचना है, क्योंकि वहाँ कोई इंडिया डे परेड है और कुछ बूथ्स वगैरह भी हैं, मेरे एक जानने वालों ने बूथ भी लगाए हैं. तो इट्स ऑलवेज फन टू गो इन टोरंटो, और मैं हमेशा से चाहता था कि एटलीस्ट एक दफ़ा आप लोगों को टोरंटो की ड्राइविंग कराई जाए. क्योंकि ऑन फुट तो मैंने 10 वीडियोस बनाई हुई हैं टोरंटो डाउनटाउन प्लेलिस्ट में, अगर आप जाएंगे तो टोरंटो डाउनटाउन की ऑन क्या नाम है ऑन फुट, लेकिन ड्राइविंग की मैंने नहीं बनाई. तो चले आपको ड्राइविंग की भी आज दिखाते हैं. आई ट्राई टू कवर
a whole lot of. तो आप देख सकते हैं यंग स्ट्रीट जो है वाया गार्डनर 17 मिनट है और वाया पार्क लॉन लेक शोर जो है 26 मिनट है. तो हम गार्डनर पे ही रहेंगे, दैट्स अ गुड थिंग. आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे गो ट्रेन आ भी रही है और जा भी रही है, और इस वक्त दो दो ट्रेनें जा रही हैं. एक बिया की ट्रेन है, उसके बराबर में जो थी गो ट्रेन थी. जी व्यूअर्स, ये राइट साइड पे सीएनई शायद आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से ये सीएनई एग्जीबिशन है और काफ़ी रश है, हद से ज़्यादा रश है. यहाँ ऑलवेज कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है. आई थिंक आई शुड कम ओवर हेयर टू. चलें नेक्स्ट वीक या समर से पहले पहले आपको ये इलाका भी दिखाऊंगा मैं. सलारा एक्टिविटीज गोन ऑन ओवर हेयर ऑल द टाइम. ये पूरा राइट साइड पे जो है ना सीएनई, अब यहाँ से सारी जो है ना डाउनटाउन कन्वेंशन सेंटर, सीएन टावर, चाइना टाउन, ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है. आपको ये सारा नज़र आ रहा होगा. और मुझे एग्ज़िट लेनी है अभी, मैं वेस को या रिप्लीज एक्वेरियम नेक्स्ट एग्ज़िट. और ये राइट साइड पे जो बिल्डिंगें हैं आपको इस तरह की शिकागो में मिलेंगी. ये पुरानी बिल्डिंगें हैं इनकी. अब ये इसके ऊपर कोको कोला कोलिजियम, शायद मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा हूँ. आपको शिकागो डाउनटाउन में भी ऐसी पुरानी बिल्डिंगें मिलेंगी. लेफ़्ट साइड पे ये शीशे और स्टील के स्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये पुराना हेरिटेज के तौर पे, आई बिलीव दे आर नॉट गोना डिस्ट्रॉय दिस बिल्डिंग, आई होप नॉट, के ये हेरिटेज कह सकते हैं इसको, जो पुराना टोरंटो का डाउनटाउन का बिल्डिंगें हुआ करती थी. और ये बिल्डिंगें पत्थर की बिल्डिंग है, पत्थर पत्थर से भरा दी है, सॉलिड सॉलिड. आजकल जो कंस्ट्रक्शन है वो मोस्टली स्टील बेस्ड होती है, स्टील के फ्रेम्स होते हैं मोस्टली. आई मीन हाई रेजर्स की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा स्ट्रक्चर बनता ही स्टील के उसके ऊपर है. और राइट साइड पे जो है ये सेनर केयर सेंटर है, ये इलेक्ट्रिक वालों का. आपको इलेक्ट्रिक के सारे ग्रिड वगैरह भी सारे नज़र आ रहे होंगे. माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा वेस को चेंज करूँ कि वेज मुझे कौन सी एग्ज़िट दिला रहा है. अब आगे मैं कैमरा बंद नहीं करूँगा ताकि आपको फुल ऑन सीन मिले. तो मुझे जो है एग्ज़िट नंबर 154 यॉर्क स्ट्रीट बे यंग स्ट्रीट, उसकी एग्ज़िट लेनी है. तो सिर्फ अबाउट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. तो चलें मैं उसको दोबारा कैमरा ऑन कर लेता हूँ, आई मीन कैमरे का ऐप. तो आईफोन पे आसानी ये होती है, आई मीन किसी भी स्मार्टफोन के ऊपर, एनीबॉडी कैन हैव सैमसंग और गूगल का या जो भी है, कि आप एट द टाइम 3-4 विंडोज़ को ना इन द बैक, वो क्या नाम है, वो चलते रहते हैं ऐप. तो मेरा वेज का ऐप भी चल रहा है और वो ये वाईफाई से कैमरा जो है कनेक्टेड है, लेकिन ये इसका अपना लोकल वाईफाई है, ब्लूटूथ कह लें, मेरा ख्याल है ब्लूटूथ ही होगा क्योंकि GoPro का तो ऐसे ही होता है. लेकिन ये जो मैप के वो होते हैं वो ऑफलाइन भी आपको पता ही होगा कि वो लोड हो जाता है ऑलरेडी और वो बैक पे चल रहा होता है. तो अब मैं कैमरा ऑफ नहीं करूँगा ताकि आप लोगों को फुल सीन मिले डाउनटाउन का. टॉपिक तो मेरे पास बहुत सारे हैं क्योंकि अब मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ सीरियसली इमिग्रेशन से रिलेटेड. गो मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, गो मैं लॉयर नहीं हूँ, गो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो करेक्ट canada.ca के ऊपर. अच्छा एक बात और उन व्यूअर्स के लिए शायद जिनको ना पता हो, वैसे तो व्यूअर्स मुझसे भी बहुत ज़्यादा सियाने हैं. canada.ca की जब आप गूगल पे साइट खोलते हैं
और निकल आती है तो आप उसके अंदर उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। अब इसके अंदर उर्दू की भी फैसिलिटी दी हुई है, मोस्टली लोगों को पता भी होगा। वैसे भाई दीवे मुझे पता था लेकिन प्रैक्टिकली आई नेवर यूज्ड इट। आई न्यू इट के यू कैन ट्रांसलेट, लेकिन वेरी रिसेंटली मैंने उसको फिर ट्रांसलेट करके देखा। वो ट्रांसलेशन 100% वैसी नहीं होती क्योंकि वो कोई सॉफ्टवेयर होगा इनका जो उसको ट्रांसलेट करता है। तो मेरा ख्याल है एसी चला दिया जाए या तो एकदम एक यहाँ पर गर्मी की सी फैन मैं आहिस्ता कर देता हूँ। अरे यार मैं कहाँ किस लाइन में, स्पिडाइना की लाइन में फंस गया। स्पिडाइना की एग्जिट है जो चाइना टाउन की तरफ जाती है और वो भी ऑन फुट समर ख़त्म होने से पहले। मैं चाइना टाउन, इट्स वर्थ सीइंग, यू फील लाइक यू आर इन शंघाई, यू आर इन चाइना समवेयर। और मैंने भी जान दो यार, ये सारी स्पिडाइना की एग्जिट की लाइन है और मैं जो हूँ ना इस लेन में फंस गया हूँ। पीछे से प्रेशर इतना ज़्यादा है ट्रैफिक का कि आई कैन नॉट मेक इट लेफ्ट, और इफ आई मेक इट समबडी इज गोना हिट मी। मैंने भी जान दिया यार, ये ट्रक के ट्रक में ऐसा नहीं होती है। मैं आई कैन नॉट, इफ आई डू इट ही माइट हैव, और यार भूल ही गया इसको। चले मुझे लेफ्ट बनाना नहीं पड़ा। तो व्यूअर्स ये देख ली, ये स्पिडाइना की एग्जिट है। और हाँ, तो मैं चाइना टाउन का बता रहा था कि यहाँ चाइना टाउन है और वो फुट पे समर में, समर ख़त्म होने से पहले पहले, ये बस आखिरी महीना है, सितंबर बहुत से बहुत खींचेगा और उसके बाद समर जो है अलविदा अलविदा अलविदा। ठंडी हवाएं चलेंगी और आज भी सुबह मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे एक घंटा पहले निकलना था। घर में जब ज़रूरत नहीं होती तो अम्ब्रेलाज जो है ना इधर उधर गिर रही होती हैं, और आज मौसम कुछ इस किस्म का है कि मुझे कैमरे को बचाना है। वैसे तो भीग जाए कोई इशू नहीं है लेकिन मेरे पास सारे कैमरे काफ़ी हैं तो मैं नहीं चाहता कि उनके अंदर हो। तो फिर मुझे क्या नाम है, अम्ब्रेला ढूंढने में मुझे कम से कम आधा घंटा लगा। कभी बैक यार्ड में शेड में जाओ उसमें देखो शायद वहाँ मिल जाए, कभी फ्रंट यार्ड गैराज में, फ्रंट में गैराज में देखो, लेकिन फिर गाड़ियों के उसमें देखा कि शायद किसी के ट्रंक में पड़ा हो, लेकिन मुझे अम्ब्रेला नहीं मिलना था और नहीं मिला। फिर मैंने सोचा जाके डॉलर स्टोर से ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं और बहुत लेट हो जाऊँगा। तो व्यूअर्स प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि बारिश ना हो, मेरे पास छतरी नहीं है। अच्छा, डाउनटाउन में एक थोड़ा सा एक वो है, मैं इसको थोड़ा सा कम करूँ, मेरी जो है ना ये बहुत ब्लू आ रही है। डाउनटाउन में आपको होमलेस काफ़ी मिलेंगे, मैंने बात कट गई थी। और ये सारे जो मौसूफ थे लेफ्ट साइड पे, ये होमलेस, ट्राइडल के ये लेफ्ट साइड पे है, बहुत बड़े बिल्डर हैं, इन्होंने डाउनटाउन में काफ़ी बिल्डिंगें बनाई हैं। ये प्रोजेक्ट भी गालबत ट्राइडल वालों का ही है। और अब मैं जाऊँ वेज के ऐप के ऊपर, क्योंकि यहाँ आके मैं जो ना थोड़ा सा पैदल हो जाता हूँ। तो वेज का ऐप जो है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आजा भाई आजा। या नेक्स्ट एग्जिट ही है वेज की, तो मैं जान दो यार, अब ये यॉर्क की मैंने एग्जिट ले ली है। अब मुझे नीथन फिलिप स्क्वायर पे जाना है, जैसे मैंने पहले कहा था कि वो टोरंटो का डाउनटाउन भी है। अब उसके बाद मुझे कौन सी एग्जिट लेनी होगी, क्वीन स्ट्रीट, क्वीन स्ट्रीट से अरे करीब ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है व्यूअर्स।
सॉरी, फैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी तो मैंने फैन की आवाज़ कम कर दी है। डाउनटाउन में एक चीज़ आप एक और नोटिस करेंगे कि यहाँ आपको ज़्यादा यंग लोग मिलेंगे। मुझ जैसे जो 50+ 60+ जो है आपको कम लोग मिलेंगे। और ये जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आजकल जो क्रिएट हो रही हैं, शायद आपको पता होगा, इस वक्त दुनिया में टोरंटो सिटी जो है आईटी का तीसरा बड़ा शहर बनने जा रहा है। सिलिकॉन वैली के बाद दूसरे नंबर पे पायदान पे कौन सा है मुझे सही एग्जैक्ट, अभी परसों ही मेरी बात हो रही थी जगह बैठे हुए, तो द गाय वॉज गिविंग मी ऑल द स्टैटिस्टिक्स, और टोरंटो जो है नंबर 3 हो गया है। तो ये जितने भी नई हाई राइजर्स बन रही हैं ये सारी कमर्शियल नहीं हैं, इनमें अपार्टमेंट्स ऊपर सारे अपार्टमेंट्स होते हैं। तो यंग क्राउड जो है, और इट इज़, हाँ, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल इन अ सेंसेस, जिस तरह मिल्टन से अगर आप डाउनटाउन, मिल्टन की बात कर रहा हूँ, अगर आप डाउनटाउन टोरंटो कम्यूट करते हैं तो रोज़ का $20 का खर्चा है। $20 का मतलब आप समझ गए होंगे, तकरीबन $500 का। वो फिर भी सस्ता पड़ता है इस सेंस में कि अगर आपको गाड़ी यहाँ पार्किंग में डालनी पड़े, गाड़ी फिर आपको पूरे दिन की $22.5 में मिलती है। तो लोग जो हैं गो से कम्यूट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप यहाँ के किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह जाते हैं तो आपको हो सकता है वो $400-500 महंगा मिले, लेकिन क्या आप सेव कर रहे हैं? जा सकता हूँ ना भाई, बिल्कुल जा सकता हूँ, मुझे सबको देखना होगा। इधर गो वाला कोई ज़्यादा ही डीप आ गया है, मुझे हाथ के इशारे से कह रहा है कि व्हाट आई एम गोना डू। वो गो वाला जो है बिल्कुल आगे लेके आ गया गाड़ी को। अच्छा, लेकिन आपका कम्यूट पे तकरीबन तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा रोज़ बचता है, तो उसको भी अगर आप काउंट करें तो वो भी तकरीबन $200-$400 का आपका आवर बन गए। तो इट्स वर्थ इट। तो जो यंग कपल हैं दे प्रेफर टू लिव इन डाउनटाउन। आप देखें यंग, आपको सारा यंग क्राउड मिलेगा इस डाउनटाउन के अंदर। और आज खासियत यही है, संडे है, इसमें टूरिस्ट भी हैं मोस्टली, मेरे जैसे जो है नॉट फ्रीक्वेंट आने वाले, ये वो लोग हैं जो, ओ माय गॉड, लुक, ऐसे तो नहीं मैं जा सकता अगर आप मुझे हॉर्न मार रहे हैं तो। ओ माय गॉड, लोग हजारों के हिसाब से दाएं और बाएं चल रहे हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे क्वीन स्ट्रीट पे राइड बनाना है तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे बेस 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 ऑन करना पड़ेगा, बेस 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 बेस। मोस्टली टूरिस्ट है, और ये यूनियन स्टेशन था राइट साइड पे, और अब मैं करूंगा ये कि यहां पर किसी पार्किंग में गाड़ी डालूंगा, हो सकता है कि आज रेट कुछ कम होते हों, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2 से 3 घंटे 4 घंटे जो है, ये देखें अब ये बिल्डिंग या तो गिर रही है या सिक्योर हो रही है। ये पुरानी जो राइट साइड पे बिल्डिंग है ये पुरानी ब्रिक्स की है, ये और इस ट्रैफिक में यहाँ पर काम करना, ये ब्लॉक्स बना के ये रास्ते बना रहे हैं, फुल सिक्योर कर रहे हैं। ज़रा सा भी
क्या नाम है, ट्रैफिक पे भी वो ना पड़े, इनकी कंस्ट्रक्शन भी होती रहे। अच्छा, डाउनटाउन की जो ड्राइविंग है, यू हैव टू, आपकी कम से कम चार आंखें होनी चाहिए, दाएं बाएं फ्रंट, ये किसी भी वक्त। और ये बीच में जो आपको ट्रैक नजर आ रहे हैं, ये ट्राम के हैं, ये किंग स्ट्रीट से मैं गुजरा हूँ, किंग और यॉर्क आई बिलीव, क्योंकि मैंने एग्जिट तो यॉर्क की ली थी। ये एडलेट के पार्क को क्रॉस करो, मैं कहाँ गाड़ी रोक दी, आ गई आपके भाई की कौन सी, नहीं छोटी स्ट्रीट है ये। जी व्यूअर्स, ये आ गया लेफ्ट साइड पे जो है ना, ये सिटी हॉल है और यहाँ पुलिस का पूरा ज़्यादा जबकट्टा है, यहाँ पर एहतजाज भी हो रहा है। तारीख को विटनेस करने जा रहा हूँ, क्योंकि पहली दफ़ा मैं डाउनटाउन में इस तरह की किसी, आज इंडियन परेड वगैरह भी, 1 बजे शायद फ्लोट्स वगैरह भी होंगे। तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, मैं यहाँ पर क्यों गाड़ी लगा दूँ इससे पहले कि किसी पोल वोल पर ठोक दूँ।